नमस्कार, स्वागत है आपका एनी वन न्यूज में। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं तुहिना चौबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट से हादिया को इंसाफ और आजादी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया और शफीन की शादी को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अपने फैसले में कहा है कि हादिया और शफीन जहान पति पत्नी की तरह रह सकेंगे। बता दें, इससे पहले हाई कोर्ट ने दोनों की शादी को शून्य करार दिया था। शफीन जहान ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि एनआईए मामले से निकले पहलुओं पर जांच जारी रख सकता है। केरल हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी को रद्द नहीं करना चाहिए था, ये शादी वैध है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादिया को सपने पूरे करने की पूरी आजादी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 5 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर और मलेशिया गए हैं। राहुल गांधी ने सिंगापुर में भारतीय मूल के सीईओ से मुलाकात की और नौकरी, निवेश, आर्थिक मुद्दों सहित कई मामलों पर चर्चा की है। राहुल गांधी ने कहा, हम भारत के ग्रामीण लोगों के सबसे बड़े प्रवासन को देख रहे हैं। हमारे पास चुनौतियां हैं, हम एक शांतिपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं, एक परिवर्तन जो सभी को एक साथ रखता हो। उन्होंने आगे कहा कि हम समाज को ऐसी प्रणाली के रूप में देखते हैं जिसे संतुलन में रखा जाना चाहिए। नागालैंड के राज्यपाल पीबी आचार्य ने एनडीपीपी के वरिष्ठ नेता नेफ्यू रियो को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। नागालैंड में एनडीपीपी ने बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाई है। यह शपथ ग्रहण समारोह कोहिमा लोकल ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम नेफ्यू रियो के साथ 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। ऐसा पहली बार हुआ है कि नागालैंड में किसी सरकार ने खुले मैदान में शपथ ली हो। सीएम रियो को 16 मार्च तक या इससे पहले सदन में बहुमत साबित करने होगा। रियो के पास भाजपा के 12 विधायक के एक जदयू और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल है। साथ में एनडीपीपी के 18 विधायक हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विसा सोली लाहोनगु के साथ राज्यपाल से मिलकर रियो का समर्थन करने वाला एक पत्र दिया था, जिस पर भाजपा के 12 विधायकों के हस्ताक्षर थे। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को सूचित किया कि वाई पट्टन को विधानसभा में भाजपा के विधायक दल का नेता चुना गया है। शपथ ग्रहण समारोह का स्थल इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि 1 दिसंबर 1963 को यहीं से तत्कालीन राष्ट्र मंत्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नागालैंड राज्य के गठन की घोषणा की थी। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी हाल में ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ मिलकर इस पूर्वोत्तर राज्य की सत्ता संभालने जा रही है। गठबंधन ने एनडीपीपी के वरिष्ठ नेता नेफ्यू रियो को मुख्यमंत्री चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। महिला दिवस के मौके पर महिला आरक्षण की मांग को लेकर महिला कांग्रेस की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकाएक संसद भवन की तरफ कूच किया। अंदर संसद का सत्र चल रहा था और ऐसे में अचानक सैकड़ों महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंच जाने से वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई और महिला सुरक्षा कर्मी मौजूद न होने के चलते पुरुष पुलिस कर्मियों को उन्हें रोकने में दिक्कतें भी आईं। महिला कांग्रेस के प्रदर्शन के ठीक 5 मिनट बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला। इसके चलते वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एकाएक हुए इस प्रदर्शन से मची अफरा तफरी को शांत करने के लिए वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद सभी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में पहली बार आरोपी मेहुल चौकसी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मेहुल चौकसी ने सीबीआई को जवाब दिया है कि वो अभी अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से यात्रा कर पाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्हें दिल की बीमारी है, जिसका इलाज इसी साल फरवरी के पहले सप्ताह में हुआ है और अभी चल ही रहा है। बता दें कि मेहुल चौकसी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के सहयोगी हैं, जिनके ऊपर करीब 11,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है।
मुंबई बम धमाकों के आरोपी फारूक टकला की गिरफ्तारी केंद्रीय जांच ब्यूरो की बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि फारूक 1993 बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी है। कुछ लोग उसे दाऊद का दाया हाथ तक मानते हैं। सीबीआई को फारूक से काफी अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। फारूक पर आपराधिक साजिश, मर्डर, हत्या की कोशिश, फिरौती और आतंकी साजिश जैसे कई मामले दर्ज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई का मानना है कि फारूक टकला ही वह शख्स है जिसने मुंबई में बम धमाके का पूरा प्लान बनाया था। फारूक की योजना के मुताबिक ही मुंबई जैसे शहर में एक साथ 12 जगहों पर धमाके किए गए। बताते हैं कि 1993 के बम धमाके के बाद जब फारूक भारत से दुबई भाग गया तो भारत सरकार ने इंटरपोल से मदद मांगी थी। इसके बाद इंटरपोल ने 1995 में फारूक टकला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के जारी होने के करीब 22 साल बाद टकला को सीबीआई अपनी गिरफ्त में ले पाई है। This particular person was probably shown as one of the absconders in the list of absconders in that serial bomb blast 1993. Well, he has been deported. That would mean that he had expressed his willingness to come back and face trial. And the place where he was holding up, that authority has conceded. Acceded to the request of the accused person and the government of India. दुबई में रहते हुए फारूक लगातार डी कंपनी के संपर्क में बना रहा। बताया जा रहा है कि वो दुबई में डी कंपनी के काम संभालता था। इस मामले में 27 दूसरे आरोपी भी हैं। पिछले साल सितंबर महीने में विशेष टाडा अदालत ने दो लोगों को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि अबू सलेम और एक दूसरे आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई थी, जबकि एक अन्य आरोपी को 10 साल की सजा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। त्रिपुरा में लेलिन, पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तमिलनाडु में पेरियार की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिमाएं तोड़े जाने की कड़ी निंदा की थी और ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को केरल के कन्नूर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने नुकसान पहुंचाया। पिछले 2-3 दिनों से राजनीतिक हस्तियों और समाज सुधारकों की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच दक्षिण कोलकाता में वामपंथी संगठन रेडिकल के कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी की आवक्ष मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की। ये घटना त्रिपुरा में सोवियत नेता व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमाएं तोड़े जाने के बदले की कार्रवाई थी। वहां लेनिन की एक प्रतिमा कथित दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए तोड़ डाली। कोलकाता के पुलिस आयुक्त ने बताया कि मुखर्जी की मूर्ति तोड़ने में शामिल सभी 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनमें एक महिला भी है। त्रिपुरा की अनुपयुक्त घटनाओं के बाद एक वरिष्ठ भाजपा नेता की फेसबुक टिप्पणी के आलोक में तमिलनाडु के वेल्लूर में द्रविड़ आंदोलन के संस्थापक ईवी रामासामी की आवक्ष प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना की आज पूरे राज्य में निंदा की गई। गुरुवार को केरल के कन्नूर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी अज्ञात लोगों ने नुकसान पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। शहर की पॉस कॉलोनी गांधी कॉलोनी की गली नंबर 16 में एक मकान पर छापेमारी कर एक युवती सहित 2 लोग सुरेश और गोपाल को गिरफ्तार किया है, जबकि जिस मकान में ये सेक्स रैकेट चल रहा था उसका मालिक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि शहर के इस पॉस इलाके में पिछले काफी लंबे समय से सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था, जिसकी लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी। ये गली नंबर 16 गांधी कॉलोनी में सूचना मिली थी कि एक लड़की और कुछ युवक आकर के वहाँ पर गलत काम कर रहे हैं, जिसके संबंध में सूचना मिलने के बाद सीओसीटी साहब के नेतृत्व में महिला इंस्पेक्टर, महिला थाने के इंस्पेक्टर और नई मंडी के थाने के इंस्पेक्टर और पुलिस बल के साथ लोगों ने मौके पर गए, तलाशी ली। वहाँ से एक महिला और 2 पुरुष मिले।
आज किडनी दिवस है। इस दिन अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किडनी विभाग की तरफ से रैली निकाली गई। इस रैली में महापौर के साथ साथ कॉलेज और नर्सिंग के विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। किडनी डे के मौके पर अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों को अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर यहां की महापौर ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। दरअसल लोग अंगदान करने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस रैली का आयोजन किया गया था। विश्व किडनी दिवस है, जो मार्च महीने के हर दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और इसमें मेन तो जो किडनी की डिजीज़ है, लोगों में किडनी के डिजीज़ के लिए जागरूकता हो, उसके लिए दिवस 2006 से मनाया जा रहा है। तो इसके लिए हमने आज एक रैली का आयोजन किया था हॉस्पिटल की तरफ से, और उसमें लगभग 1000 लोगों ने भाग लिया और सबको ये मैसेज दिया कि किडनी के रोग के कैसे जानकारी मिल सकती है, उसके कैसे इलाज हो सकता है, और अगर जल्दी इलाज हो तो फिर किडनी के डिजीज़ को आगे बढ़ने में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आज पूरा विश्व महिला दिवस भी मना रहा है, तो वहीं किडनी डे के मौके पर यहां के डॉक्टर्स का कहना है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं अंगदान करने में आगे होती हैं। इस कार्यक्रम में भी यही बताया गया कि कैसे आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। अंगदान का निर्णय ले लीजिएगा, टाइम पे ले लीजिएगा। ब्रेन डेड मतलब कि किसी को चोट लगे दिमाग में या ब्रेन हेमरेज हो जाए तो ब्रेन मर जाता है, तब मरीज को वेंटिलेटर पे रखते हैं और आर्टिफिशियल हार्ट को और लंग्स को चालू रखते हैं। तो अगर डॉक्टर एक बार बोल दे ये ब्रेन डेड हो गया, इसका मतलब कि इंसान मर गया। तो अगर फैमिली उस वक्त डिसीजन ले ले कि ब्रेन मर गया है और फेफड़े और हृदय आर्टिफिशियल वेंटिलेटर से चालू है, तो उस वक्त ऑर्गन का डोनेशन कर दिया जाए तो एक साथ 5, 6 या 7 लोगों को अपना नया जीवदान मिल सकता है। आज देश में लाखों की संख्या में मरीज अंग ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का यही मकसद था कि लोगों को इस अमूल्य भेंट के बारे में जागरूक करें। कैमरामैन आकाश पटनी के साथ रविंद्र भदौरिया, एनीवन न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में ट्रेन से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल युवक पीपलसाना स्टेशन से सुबह रामनगर के लिए रवाना हुआ था। जैसे ही गाड़ी में बैठकर श्यामपुर हादीपुर गांव से आगे पहुंचा ही था कि वो ट्रेन से गिर गया, जिसकी ट्रेन के नीचे आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भेज दिया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूं तो रेलवे अपने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और स्वच्छता बरतते हुए गुणवत्ता युक्त भोजन परोसने का विश्वास दिलाती है, लेकिन ये विश्वास अब अविश्वास में बदल गया है। केंद्र सरकार के मुख्य अंग समझे जाने वाले भारतीय रेल में स्वच्छता और गुणवत्ता को ताक पर रखकर जहर परोसा जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मामला उत्तर प्रदेश के पीतल नगरी कहे जाने वाले मुरादाबाद का है, जहां रेलवे स्टेशन के नाले के ऊपर अवैध रूप से लगी दुकानों में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को खाने पीने की भोजन सामग्री परोसने वाले वेंडर्स अवैध रूप से अपना व्यापार कर रहे हैं। वहीं साफ सफाई के नाम पर दुकानों में कोई खास इंतजाम नहीं है। नाले के ऊपर लगी इन दुकानों में गंदगी, मक्खी मच्छर का अंबार देखने को मिला। बावजूद इसके बड़ा सवाल यह उठता है कि यह अवैध दुकानें किस आधार पर चल रही हैं? आखिर क्यों रेलवे इन अनाधिकृत विक्रेताओं को स्टेशन पर या खाद्य सामग्री यात्रियों को परोसने दे रहे हैं? मैं उसी संबंध में बता रहा हूँ कि रेलवे की नीति अच्छी नहीं है। अगर रेलवे ऑथराइज काम करे और ऑथराइज तरीके से रेलवे स्टेशन पर काम को चालू करे तो रेलवे को भी फायदा हो। आज हजारों की संख्या में अनाधिकृत वेंडर कार्य कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपया रेलवे के कुछ लोग रिश्वत के तौर पर इनसे वसूल कर रहे हैं। पिछले दिनों गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों से 4 यात्रियों की जान भी जा चुकी है, जिसके बाद भी रेलवे ऐसे अनाधिकृत विक्रेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाया। साथ ही सूत्रों से पता चला है कि इन अनाधिकृत विक्रेताओं से रेलवे पुलिस और अन्य रेलवे कर्मचारियों को हर महीने कारोबार करने के लिए मोटी रकम दी जाती है,
जिसके चलते स्टेशन पर यह विक्रेता अवैध रूप से अपनी खाद्य सामग्री को मनमाने दामों पर बेचते हैं। रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। यूं तो होली सबके लिए खुशियां लाती है, पर असावधानी के चलते एक परिवार पर गमों के ऐसे बादल टूट पड़े हैं कि कोई भी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। मामला शाहबाद थाना क्षेत्र के खरसौल गांव का है, जहां होली मिलने के बाद बाइक से अपने घर वापस लौट रहे दंपति को ट्रैक्टर ट्रॉली ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक बढ़ती भीड़ को देखकर ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकला। वहीं परिजनों ने विरोध में रोड पर जाम भी लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर रास्ता खुलवाया और शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैनाठेर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ध्रुव कुमार ने ग्राम डिंगरपुर स्थित हबीबी इंटर कॉलेज में महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के प्रति छात्र छात्राओं को पुलिस डायल 100-1090 और भी कई हेल्पलाइन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उपलक्ष्य में 3 दिन से पुलिस का महिला सशक्तिकरण के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल दिनांक 6/3/18 को पुलिस लाइन में अपने कर्मचारियों को संवेदनशीलता बरतने के लिए SPCT/SSP महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था। आज हम लोग स्कूल में जाकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए व छात्रों को उनके महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं में घोटाला कर अधिकारी किस तरह पलीता लगा रहे हैं, ये आज हम आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा भेजी गई धनराशि से 6 करोड़ की मोटी रकम उड़नछू हो गई है, जिस कारण धन के अभाव में योजनाएं भी पूरी नहीं हो पा रही है। ये खुद जनपद के अधिकारी बता रहे हैं। जल निगम के खाते से 6 करोड़ की रकम गायब पाई गई है। अधिकारियों की माने तो ये रकम डाइवर्ट कर शायद किसी अन्य काम में खर्च की गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इस घोटाले में जिला विकास अधिकारी मोतीलाल व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत गाँव में योजनाएं चल रही है, लेकिन धन के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही है। इस बारे में जब जल निगम से पूछा गया तो उन्होंने जवाब में बताया कि लगभग 6 करोड़ रुपए हमारा डाइवर्ट है। जल निगम के पास 18,51,00,000 रुपए होने थे, लेकिन बैंक के खाते में मात्र 12,66,00,000 रुपए की राशि ही दिख रही है। लगभग 6 करोड़ की राशि डाइवर्ट है, जिस कारण योजना पूरी नहीं हो पा रही है। नई योजनाएं आ रही हैं, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसमें जिलाधिकारी साहब द्वारा जांच कराई जा रही है। तो सुना आपने, जिला विकास अधिकारी मोतीलाल व्यास जी को जो 6 करोड़ के इस घोटाले को धनराशि डाइवर्ट होना बता रहे हैं। खैर जो भी हो, इस समय तो इस धनराशि के गायब होने के कारण केंद्र सरकार की योजनाएं फिलहाल तो मुजफ्फरनगर की जनता तक नहीं पहुंच पा रही और सभी जल निगम की योजनाएं जनपद में वहीं के वहीं थमी खड़ी हैं। एनीवन न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से कोमल शर्मा की रिपोर्ट। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शौकत अली रोड स्थित शुभा हॉस्पिटल में जहां बीती रात पहुंचे मरीज ने डॉक्टर के लाख समझाने के बावजूद भी बात नहीं समझी। मरीज शौकत अली, जो कि लालपुर का रहने वाला है, जिद पकड़ ली कि उसे अस्पताल से ही दवाई चाहिए, जबकि डॉक्टर ने उसे मेडिकल से दवाई लेने को कहा। इसी बात पर भड़कते हुए मरीज ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिस पर डॉक्टर एनके गुप्ता ने पुलिस बुलाने की बात कही। इतनी देर में मरीज के रिश्तेदारों ने अस्पताल के कर्मचारियों से गाली गलौज और हाथापाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने फोन कॉल करके और लड़के भी बुला लिए, जिसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब जैसे तैसे पुलिस ने मामले को शांत कराया। 8 बजे के बाद एक मरीज और उसके 2 बच्चे आए और कहने लगे हमारे रिसेप्शन पर कि डॉक्टर को दिखाना, उनका आपको पुराना मरीज, पुराना पेशेंट है, आप जो कल आ जाइए, डॉक्टर तो 7:30 बजे तक बैठती है। इस बात पर उसने कहा मुझे दवा लेना, तो मुझे दवा ले लीजिए एक दो दिन की,
इस बात को नाराज होने लगा, गाली देने लगा मरीज को, उसके रिश्तेदार, और उन्होंने कुछ लड़कों को बुला लिया जो हमारे उस कंपाउंडर को मारने लगे और यहाँ हंगामा करने लगे और शीशे पीछे तोड़ने लगे। इसके बाद हमारे रिलेशन के कुछ लोग आ गए, उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब यहाँ आ गई तो उन्होंने पुलिस से मामला शांत किया, हमने लिख के एप्लीकेशन उनको दे दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Global advertise for innovative outdoor solution. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. Global advertise for innovative outdoor solution.